उत्तर प्रदेश में 80 सीट में से 34 सीट जो है भाजपा गठबंधन को मिला है और 45 सीट जो है कांग्रेस गठबंधन को मिला है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में, 48 सीट में से 18 भाजपा गठबंधन को मिला है और 29 जो है कांग्रेस गठबंधन को मिला है। बात करते हैं बिहार में, 40 सीट में से 31 NDA को मिला है जो भाजपा गठबंधन है और 9 जो है इंडिया गठबंधन को मिला। अब बात करते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में से 39 सीट्स में से 1 NDA को मिली है भाजपा गठबंधन को और 37 जो है कांग्रेस गठबंधन को मिली। बात करते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 42 सीट में से 9 सीट जो है NDA गठबंधन में और 33 जो है इंडिया गठबंधन को मिला है। अब बात करते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक में 18 NDA को मिली है और इंडिया गठबंधन को 10 मिला है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 29 सीट जो है 29 सीट NDA को ही मिला है। अब बात करते हैं केरल की, केरल में NDA को 2 सीट मिला है और इंडिया गठबंधन को 17 सीट मिले हैं और 1 अदर के खाते में गया है। अब बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान में 25 सीट में से 14 सीट जो है NDA गठबंधन ले गई है और इंडिया गठबंधन को 10 मिला है। बात करते हैं झूठे एग्जिट पोल के, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया था कि भाजपा को जो है 350 ऊपर आएगा, 400 आएगा, क्या क्या बोला गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं ABP न्यूज़ से लेकर इंडिया टुडे से लेकर किस तरीके से